अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है गोनाडल एफ कैप्सूल। गोनाडल एफ कैप्सूल के बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल किंग ऑफ मेडिसिन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो नाज़रीन, बात करते हैं गोनाडल एफ कैप्सूल के बारे में। तो नाज़रीन, गोनाडल एफ कैप्सूल बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। इसका जो फार्मूला है इसमें नाज़रीन विटामिन ई और सेलेनियम पाया जाता है। ये खासकर मर्दों के लिए कैप्सूल है और मर्दों के अंदर नाज़रीन एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसकी कमी हो जाए तो उसके लिए ये गोनाडल एफ कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है। गोनाडल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल जो है नाज़रीन, ये हम जो मर्दाना स्पर्म होते हैं उनकी कमी हो जाती है या उनमें ग्रोथ नहीं होती या उनकी जो एक मोर्टेलिटी सिस्टम होता है नाज़रीन मर्द में वो कमज़ोर हो जाता है, तो नाज़रीन उसके लिए ये इस्तेमाल करवाया जाता है। और साथ साथ नाज़रीन इसकी जो मोर्टेलिटी के लिए हमारे जरासीम में कमी हो जाती है या हमारे अंदर जो मर्दाना जरासीम पाए जाते हैं, स्पर्म जिसको कहते हैं, वो पाए जाते हैं और कम होते हैं नाज़रीन, उसके लिए गोनाडल एफ कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके बाद नाज़रीन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 70% लोगों में यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती या जब रिपोर्ट करवाई जाती है तो नाज़रीन एक सीमन टेस्ट होता है जिस या एनालिसिस करवाया जाता है नाज़रीन, उसमें पता चलता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो साख्त है वो ठीक नहीं है या उनमें जो एक्टिविटी ग्रोथ है नाज़रीन वो नहीं है, तो इसकी वजह से भी मतलब कि जो औलाद नहीं हो पाती उसके लिए भी डॉक्टर जो है वो गोनाडल एफ कैप्सूल जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, तकरीबन जब हम 40+ एज में जाते हैं तो हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है नाज़रीन उसकी कमी शुरू हो जाती है, एकदम नाज़रीन कमी नहीं होती, लम्हा ब लम्हा उसमें कमी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से हमारी जो एक सेक्स पावर इम्यूनिटी है नाज़रीन वो बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है। तो नाज़रीन, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें मतली आती है, चक्कर आते हैं, बाज़ दफ़ा कब्ज़ हो जाती है नाज़रीन, तो कोई भी नाज़रीन मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले मुतलक डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, तब जाके मेडिसिन इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।